नमस्कार, मैं मयंक चतुर्वेदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ से। पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुवाद के विषय में बताया था, उसके कुछ रूल्स। आज उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो जो मैं चर्चा कर रहा था आपको कि अनुवाद में क्रियाओं का जानना बहुत जरूरी है, मीन्स शब्द रूप, धातु रूप अनुवाद की रीढ़ की हड्डी है। तो हमें जो धातु रूप है, जो पांच प्रकार मैंने आपको बताया था, परस्मै पदी और आपने पदी के, तो पांच में से लट लकार, लंग लकार, हेट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये जो पांच लकार हैं, इन पांचों का हमें फार्मूला पढ़ना होगा, जिसका पहला फार्मूला मैं आपके सामने लिख करके बता रहा हूँ। पहला होता है लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का ती, द्वि वचन में ता और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष में चलेंगे तो इसका फार्मूला आएगा सी थ और था। उत्तम पुरुष में चलेंगे तो इसका एक वचन में होगा आम आवह आमा। ये फार्मूला है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं कोई भी आपको धातु का एक मूल शब्द दूं और वो मूल शब्द आपके लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, पांचों लकार में वो चलेगा और बस परिवर्तन होगा तो फार्मूले के अकॉर्डिंग लट लकार में जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक नया शब्द है, धातु शब्द है पठ। पठ माने होता है पढ़ना, ठीक है। अब इस पढ़ना शब्द को हम लट लकार में रखते हैं तो पठति, पठता, पठंती। मध्यम पुरुष में चलेंगे तो पठसि, पठथा, पठत, पठानि, पठावा, पठाम। इसी को यदि हम लंग लकार में रखेंगे तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग शब्द वही रहेगा लेकिन पूरा पूरा रूप बदल जाएगा। ऐसे लिट लकार में, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो धातु का मूल शब्द है वो सेम रहेगा, वो बदलेगा अपने क्रिया के अनुसार, उस काल के अनुसार। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि यदि कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्वि वचन तो क्रिया भी द्वि वचन, यदि कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। ये इसका सबसे सरल तरीका है। हमें कर्ता को देखना है फिर क्रिया को देखना है। कभी कभी कर्ता एक वचन है लेकिन क्रिया देखते हैं बहुवचन भी हो जाती है, तो उसके लिए हमें देखना कैसे, ऐसा सेंटेंस यदि है तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको करना है। लेकिन 99% ऐसा ही होता है कि कर्ता यदि एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी और उसके अनुसार ही हमें बदलना है। तो अब चलते हैं इस फार्मूले के अनुसार। एक उदाहरण आपको देख के बताता हूँ। जैसे लट लकार की बात हो रही है, जितने भी एग्जाम्पल होंगे सब लट लकार के होंगे। अब किसी में केवल कर्ता और कर्म होगा, कर्ता और क्रिया होगी, किसी में कर्ता क्रिया और कर्म होगा, ठीक है। तो अलग अलग शब्द हैं। तो पहले सरल वाक्य ले लेते हैं। सरल वाक्य में यदि हम बताएं तो आपके सामने पहला शब्द है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले कर्ता देखिए राम, और क्या करता है वो, पढ़ता है, एक ही क्रिया है राम पढ़ता है, कर्ता और क्रिया। अब पढ़ता किसके माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना। अब कर्ता देखिए, कर्ता क्या है, एक वचन है। यदि कर्ता एक वचन है तो मैंने पहले ही बताया क्रिया भी एक वचन होगी। अब इसके बाद अपने को यह देखना है कि यह किस पुरुष का है। तो किस पुरुष का है, पहले मैंने बताया था कि हमेशा जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके विषय में बात कही जाती है, जिसके विषय में बोला जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है वो होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ लिखा हुआ है वह या किसी का नाम, नाम मैंने बताया था, वह या किसी का नाम है वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। लेकिन जो सीक्वेंस है, लिखने का जो क्रम है, वो संस्कृत में सबसे ऊपर जो आएगा वो थर्ड पर्सन है,
जो बीच में आ रहा है वो सेकंड पर्सन है और जो सबसे नीचे आ रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। मींस प्रथम पुरुष आपका संस्कृत में नीचे से स्टार्ट होता है लेकिन लिखने का जो सीक्वेंस है स्टंग से है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं या और अन्य पुरुष भी बोलते हैं। इसका सेम है मध्य पुरुष, इसका उत्तम पुरुष। तो बता रहा था मैं राम आपका अन्य पुरुष का एक वचन का कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन हो जाएगी। तो राम का हमको लिख देना है रामः और पठ माने होता है पढ़ना, तो पढ़ना किसको हो जाएगा एक वचन में पठति, रामः पठति। ये आपका सर्वप्रथम अनुवाद है। यदि हम इसी को मध्य पुरुष में चलेंगे और यदि बोले कि तुम पढ़ते हो तो तुम पढ़ते हो, तुम आया है, तुम पहचान है किसकी, मध्यम पुरुष एक वचन की, तो लिखेंगे तुम का संस्कृत में होता है त्वम। अब यहां शब्द बोले में क्या है सी, तो त्वम पठसि, शब्द वही रहेगा त्वम पठसि, ऐसे हो जाएगा। अब इसी के लिए उत्तम पुरुष में आएंगे तो इसका बनेगा मैं पढ़ता हूं, तो मैं को संस्कृत बोलते हैं अहम, और यहां शब्द है आमि, तो अहम पठामि, अहम पठामि। तो अब हमको यह देखना है कि तीनों का मैंने एक एक वचन लिया है, अन्य पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। इसमें लिखा है ती, इसमें लिखा है सी, इसमें लिखा है आमि। फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ती सी और आम एक वचन में है, लेकिन यदि इसी को द्विवचन में जाएंगे तो राम पढ़ता है, इसी को दो वचन में कर देंगे तो जब द्विवचन में जाएंगे तो यहां दो लोग कर्ता दो हो जाएंगे, तो राम और श्याम पढ़ते हैं। द्विवचन में होगा तो भी बोलेंगे प्लूरल के अकॉर्डिंग, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम श्याम और हरीश पढ़ते हैं, वह बहुवचन में आ जाएगा। कर्ता आपके एक से दो से अधिक है इसलिए बहुवचन हो जाएगा। तीनों का नाम लिखेंगे रामा श्यामा च हरीशा। अब यहाँ क्या लिखा बहुवचन में अंतिम, अंतिम में हो जाएगा पठंती। तो जो भी क्रिया होगी, पठंती है, लिखंती है, हसंती है, वदंती है, जो भी क्रिया होगी वो क्रिया बहुवचन के अकॉर्डिंग इसमें बदल जाएगी। तो सबसे पहले हमें कर्ता देखना है, कर्ता के बाद हमें उसकी क्रिया देखना है, फिर उसमें कर्ता क्रिया देखने के बाद ये देखना है कि वो कौन सा वचन का है, फिर उसमें पुरुष कौन सा है। तो खास तौर से हमें देखना है कि अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अस्मद और इस्मद का रूप पढ़ना बहुत जरूरी है। अस्मद और इस्मद का रूप नहीं बन रहा इसका मतलब हमसे अनुवाद नहीं बनेगा, श्योर अनुवाद नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अस्मद का रूप जो है, अस्मद माने होता है मैं से वेष्ट पूरा, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सातों विभक्ति में उसका अलग अलग है। और उसके बाद आप कारक भी पढ़े होंगे, 6, 7, 8 में आप कारक पढ़े होंगे, अभी भी कारक है। तो कारक हमें विभक्ति का ज्ञान कराएगा, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब से शब्द आ गया, अब आप से देखते हैं से दो कारक में मिलता है आपको, एक तृतीया कारक में भी मिलता है, एक पंचमी कारक में भी मिलता है। यदि हम तृतीया कारक की बात करेंगे तो वहां जुड़ने का बोध होता है, और पंचमी कारक की बात करते हैं तो अलग होने का बोध होता है। चिन्ह से है लेकिन दोनों से का मतलब अलग अलग है, एक का प्रयोग है जुड़ना और एक का प्रयोग होता है अलग होना, तो दोनों का मतलब अलग है, तो उसके लिए हमें कारक जानना है। तो उसके बाद आपको द्वितीया में जाओगे तो कर्म कारक होता है, तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये जो सात कारक हैं, सातों कारक को हमको जानना है। ये कारक हमें उस जो हिंदी में सेंटेंस लिखा होता है, हिंदी में जो वाक्य लिखा होता है, उस वाक्य की पहचान कराने में मदद करते हैं। और जब उसमें हमें वाक्य की मदद, उस सेंटेंस, वो वाक्य हमें उस कारक की पहचान कराया, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग अनुवाद भी करने में मदद मिलती है। अब उदाहरण के लिए यदि वाक्य षष्ठी विभक्ति का है, संबंध कारक का है, और हम यूज कर रहे हैं करण कारक में या संप्रदान कारक में, तो स्वाभाविक सी बात हो गलत होगा। तो हमें कारक भी जानना है, इसके बाद कारक चिन्ह भी जानना है, और जब कारक और कारक चिन्ह का ज्ञान हो गया तो शब्द रूप में हमें उससे बहुत कुछ मदद मिलेगी। और जब धातु की बात करते हैं तो धातु में हमें अस्मद और युष्मद का रूप तो पूरी तरह से जानना ही है। अस्मद माने मैं पहले बताया मैं,
युष्मद माने तुम, इसका पूरा रूप जानना है। अस्मद आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, मैं आपको जनरली ऐसे बोले देता हूं। अस्मद में चलते हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यः, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम्, मयि आवयोः अस्मासु। ये प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक ये रूप होता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी लिंगों में सभी वचनों में एक समान रहता है, बाकी रूप बदल जाते हैं लेकिन अस्मद युष्मद का रूप नहीं बदलता। और यही अस्मद युष्मद का रूप हमें अनुवाद में मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष में मदद करेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं मुझे दूध अच्छा लगता है, अब शब्द आया हिंदी में मुझे दूध अच्छा लगता है, अब मुझे की संस्कृत हमें पता ही नहीं है, किसके माने होगा मुझे अब पता ही नहीं है, तो अनुवाद कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें उसका मतलब समझना है। जैसे अहम आवाम वयम एक कर्ता कारक में हो गया, कर्म कारक में चलेंगे तो माम आवाम अस्मान, अलग अलग चीजें हो गई। हर कारक के अनुसार वो कारक चिन्ह जो मैंने आपको बताया, ने को से के लिए से, फिर काके की और मे पर, और संबोधन में हे वो अरे। तो ये जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह के अनुसार हमें उस अनुवाद में इनकी आवश्यकता पड़ती है, और इनके बिना अनुवाद नहीं बन पाता। कहने के लिए बहुत सरल है लेकिन इसके लिए हमें शब्द रूप और धातु रूप का पूर्णता ज्ञान होना जरूरी है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमें शब्द रूप और धातु रूप पूरी तरह से बनेंगे। तो ये चलने से पहले आप घर में अस्मद और युष्मद का रूप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। कल जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो हम उसमें शब्द रूप की भी मदद लेंगे, जैसे अभी आप केवल आज पढ़े हैं धातु से संबंधित, कल के जो शब्द आएंगे उसमें आपके शब्द रूप से संबंधित भी आएंगे। कैसे कैसे, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों का है, अब कैसे उसको करना है, से शब्द आया उसको कैसे बनाना है, तो उसके लिए हमें शब्द रूप का भी ज्ञान होना चाहिए। शब्द रूप की जब चर्चा करेंगे तो उसमें अलग अलग चीजें आएंगी, उसको भी मैं अलग से आपको बताऊंगा। जैसे रात का ज्ञान उसमें जरूरी होगा, उसके अनुसार हमें ये क्रम बाय क्रम स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।